आप देख सकते हो सभी इंतजार में बैठे हैं और अभी तक शुरू नहीं हुआ है दस्तरखान की तैयारी। ईद गदीर मुबारक। मतलब ईद सिर्फ सैयद भाइयों का नहीं है, ईद पूरे मोमिनीन का है। इधर भाई सियासत करते हुए मजाक कर रहा है। उन सबको ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तमाम आलम इस्लाम को ईद गदीर मुबारक हो। जी हाँ, आज है ईद सईद गदीर। तो तमाम देखने और सुनने वालों को मेरे दिल की गहराइयों से ईद गदीर बहुत बहुत मुबारक हो। तकरीबन दोपहर के 1:30 बजे बज रहे हैं और अपना आज का व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है आप लोगों को दिखाते चलो, एक खाली मुर्गी हम लोगों ने निकाल दिया है अपने मुर्गियों से, इसका सत्ता होगा अभी। और सबसे पहले जो है मैं जाने लगा हूँ अपने ईद गदीर के कपड़े लाने के लिए, जो कि दर्जी में है, सिलाई के लिए दिया था और अभी तक नहीं लाया है। तो सोचा कि व्लॉग बनाते हुए ही जाके उसको भी ले आए और उसके बाद जो है दस्तरखान गदीरी में जाएंगे और देखते हैं क्या प्लान बनेगा। तो इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, इसी के साथ शुरू करता हूँ मेरा आज का न्यू व्लॉग। सो वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। अपने ईद गदीर के कपड़े भी ले लिया है मोहम्मद अली टेलर्स से। ये रहा मोहम्मद अली टेलर्स जो कि तोसीली रोड पे वाक़ है। तो यार अभी आप लोगों को आज के मौसम के बारे में थोड़ा सा बताते चलो कि 36 डिग्री सेल्सियस है आज, काफ़ी गर्मी है, इंतहाई गर्मी है कोयटा में। और कोयटा का गर्मी तो बाकी जगहों से थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है। और मज़ीद ऐड करता चलूँ कि ईद गदीर के मौके पर और इस तड़पती हुई गर्मी के बायस जगह जगह पर मुख्तलिफ सबीले भी लगे हैं, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा वो सभी सबीले। यार ये है मेरे ईद के कपड़े जो कि मैंने स्पेशल ईद गदीर के लिए ही लिए थे। ये आप देख सकते हो। तो जल्दी से शावर करता हूँ और कपड़े पहन के आप लोगों से मिलता हूँ। One hour later. यार अभी जैसा कि आप देख सकते हो रेडी शेडी होके तैयार हो गया हूँ। ये कपड़े जो है दरअसल मेरे ईद के लिए थे, तो ईद से लेट हो गया था तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ईद गदीर के लिए सिलाई कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो एक कुर्ता पैजामा पहना है और इसके साथ एक जो है छवट बोलते हैं हम इसको अपने ज़बान में, आप लोग पता नहीं इसको क्या बोलते होंगे। और कुछ एक्सेसरीज भी लिया है। तो अभी का प्लान है कि ताहा के घर में जाएंगे। टाइम बताते चलूँ कि 3 बजे हो रहे हैं, ऑलरेडी लेट हो चुका है। जल्दी से ताहा को पिक करते हैं और जाते हैं दस्तरखान गदीरी की तरफ। कहा था ईद गदीर के मौके पर जगह जगह पर इस तरह के सभी लगे हुए हैं। ये है यहाँ का एंट्रेंस, फ्रेंच कुज़ीन बेकरी के बिल्कुल सामने से शुरू होता है। यार आते ही यहाँ पे 2 सब्सक्राइबर मिल गए हैं। स्टोरियन खुवेन जासिम जोरा, नाम खुबो के नवल नमस्ते चिजन खो ईच मुबारक ईदिश मुबारक एक छन लाजबाद बाइन मज मशमूर ईदिश मम मिनम हां आरदिश बुगिन ईद गदीर मुबारक ईद गदीर मुबारक। और जुल्फ़िकार भाई का भी एक चैनल है, नाम क्या है? जुल्फ़िकार जान व्लॉग। जुल्फ़िकार जान व्लॉग किस चीज़ के बारे में है? व्लॉगिंग के। व्लॉगिंग? हाँ। अच्छा डेली व्लॉगिंग करते हो? हाँ। तो आपकी चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये लोग जरूर विजिट करेंगे। यार आप देख सकते हो सभी इंतजार में बैठे हैं और अभी तक शुरू नहीं हुआ है दस्तरखान गदीरी। आगे जो है वहाँ पे मनकबत खानी वगैरह हो रहा है, चलते हैं आगे वो सभी भी आप लोगों को दिखाते हैं। यार ये बच्चा भी मेरे ब्लॉग में आना चाहता था तो ये भी आ गया। अम्मा जी सही शो, इनकी खिदमत में ये अर्ज करना चाह रहा हूँ आप सबके खिदमत में कि ये शहर हमारा अपना शहर है, हमारा घर है, हम इस शहर के फर्जंद हैं, हम इस शहर के मकीन होकर, इस सूबे के मकीन होकर एक दूसरे के भाई हैं। ईसाई भाई जिनको हमने दावत दी वो भी शायद प्रोग्राम में शिरकत करें और एक आदमी से होगी। कुरान एक मुकम्मल किताब है, रसूल आखिरी रसूल है, इसमें आयत शरीफा
के सिलसिले में आपने सुना होगा इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, तुम्हारे सरपरस्त अल्लाह है और उसके बाद उसका रसूल है, और वो शख्सियत जिसने ईमान लाया, जिन्होंने नमाज पढ़ी, जिन्होंने हालत रुकू में ज़कात अदा की, वो कौन थे? तकरीबन तमाम मुफस्सिरीन शिया और सुन्नी के लिखते हैं कि वो मौला अमीर मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। बस अजीब पैगाम यही है मेरे भाइयों कि रूए जमीन पर हुकूमत का हक सिर्फ अल्लाह को हासिल है, रसूल को हासिल है। और एक ऐसे शख्स जो रसूल की तरबियत शुदा हो, जिसमें जर्रा बराबर झूठ का कोई गुमाना भी ना हो, कोई मजन्ना भी ना हो, जर्रा बराबर सितम का उस तवको भी ना हो, जी हां, वो इमाम मासूम, वो इमाम बरहक, वो जिनके बारे में फरमाया गया कि अना मदीनतुल इल्म व अली उन बाबहा, वो अली है जो दरवाजे इल्म है, शेर इल्म का जो दरवाजा है वो अली है, वो अफजल इंसान, वो पाकीज़ा शख्सियत अली अलैहिस्सलाम थे। बहरहाल हालात कुछ इस तरह से बनी कि उनको फकत 4.5 साल की हुकूमत का मौका मिला, बाकी न उनकी आन को न उनको हुकूमत करने का मौका दिया गया। और फिर आज जो दुनिया इतनी तरक्की याफ्ता है, किसी भी कोने में किसी भी जगह पर जिस तरह क्या हुआ, कोई आपको ऐसी हुकूमत नहीं मिलेगी। यकीन जानिए मेरे भाइयों, मुझे और आपको और सबको खान खोल कर सुनना चाहिए कि जब तक अली की तरह कोई इंसान जो मासूम हो, जो पाकीजा हो, जो गलतियों से पाक हो, जो गुनाहों से पाक हो, जो हर किस्म के खराबियों से दूर हो, एक ऐसी शख्सियत के हुकूमत नहीं बनेगी, इंसान का काम बनने वाला नहीं। तमाम अजमोन بسخای خورا بلند کرده امروز روز شسته امروز روز شسته حتی اگر تازه حدره هم نباشیم بالاخره تکلیف از ما چی خواهد شد تمامی از ما من نعره میزنم تمامی از ما جواب میدیم نعره अल्लाह ने बंद ने फरमाया है, ये मिसरा लिख दिया कि शोक ने मेहराबी मिंबर पर, ये मिसरा लिख दिया कि शोक ने मेहराबी मिंबर पर, ये नादा गिर गए सजदों में जब वक्त कयाम आया। अब ये हमारे मुनाफिक और नादान जब 18 ज़िलहज के इतनी बुलंद बाला दिन और इतना अजीम वाकया हुआ आज हमें बताया जाता है, और हम जैसे मुहब्बाने अहले बैत पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि तुम लोग हजरत उस्मान गनी हुजूर अलैहिस्सलाम के खलीफा के दिन शहादत के दिन तुम लोग खुशी मनाते हो, तो याद रखो, तो याद रखो, बेशुमार कुतुब अहले सुन्नत में मौजूद है कि हजरत उस्मान गनी की शहादत 12 ज़िलहज को है। हमारे एक शाह साहब है पुलिस में होते हैं, एक दिन मुझसे कहने लगे शाह साहब मुझे बताएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में मुजाहिदीन कितने थे, फिर हजरत अबूबकर सिद्दीक के जमाने में मुजाहिदीन कितने थे, फिर हजरत उमर के जमाने में सहाबा कितने आगे बढ़े। फिर कहने लगे कि खलीफा वक्त को 40 दिन कैसा रखा गया, कैसे बंद कैद रखा गया। मैं एक हवलदार हूं, आप मुझे इस कोटी में बंद कर दे, खुदा की कसम हमारे डीपीओ साहब और ये जिले की पुलिस तुम्हारी बोटी बोटी कर देंगे। एक खलीफा वक्त हजरत उस्मान कैसे इतने लोगों के दरमियान कैद रहा, 40 दिन के बाद शहीद हुआ। तो फिर मैंने एक नासवी से पूछा क्यों मौला अली या अहले बैत से बोझ रखते हैं। मैंने उनसे कहा कि इतने सहाबाई किराम किधर थे कि जब हजरत उस्मान की शहादत और उनके साथ जुल्म हो रहा था। वो कहने लगे वो हज पर गए थे। तो मैंने बोला अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे, तो हजरत उस्मान गनी की शहादत आज के दौरान ही हुई। नहीं समझे मेरी बात? जब सहाबा किराम हज पर गए थे तो हजरत उस्मान गनी की शहादत 12 ज़िलहज हज के दौरान हुई है,
18 ज़िलहज्जे को हम खुशी मना के रहेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह जब तक जिंदगी रही हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके अहले बैत की खुशी में खुशी मनाएंगे और इनकी गमी में गमी मनाएंगे इंशाल्लाह। मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? तो बेशुमार कुतुब अहले सुन्नत में है कि हजरत उस्मान गनी की शहादत, जैसे आप देख सकते हो, ये दूसरी बार है जो कि सभी जिस जात ने अली को बचपन में ये शहादत अता फरमाई, इससे एक बार पहले वो काबिल कयूम जात है जिसने सैयदा मरियम के इफ्फत की, सैयदना यूसुफ की आसमत की और हजरत जुरैद की पाक दामनी की गवाही। यार अभी है नजर करने के बारे माशाल्लाह से काफी मजेदार बिरयानी बनाया था यार, काफी मजेदार। हम लोगों ने खाना खा लिया है मगर हैदर बोल रहा है कि चलो किसी शॉपर में भी उठाते और रात के लिए भी खाना ले जाते। मैं इसको बोल रहा हूँ बस यार, मैं इसको बोलता हूँ बस यार, मगर ये बोल रहे नहीं नहीं कोई शॉपर में भी चलते। हैदर इस बारे में वीडियो में भी बता दे उस वक्त क्या बोल रहे यार, शाम का खाना भी बंदोबस्त हो जाएगा। प्लास्टिक वगैरह लेकर आए हो तुम लोग? जी इसके जेब में प्लास्टिक है, देखो मेरे पास जेब ही नहीं है। दिखाओ प्लास्टिक, दिखाओ जेब प्लास्टिक है, बता मदद से अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मेरे जेब में नहीं, ये देखो प्लास्टिक की क्या जरूरत। इधर भाई ईद मुबारक सईद, इधर हम लोग यार ईद सईद, इधर बहुत सईद, इधर पैसा पैसा ईद मतलब ईद सिर्फ सैयद भाइयों का नहीं है, पूरे मोमिनीन का है। इधर भाई सियासत करते हुए आगा साहब, ये सियासत करते हुए ये मतलब ज्यादा नहीं दिया जाता है, रखो ना यार ये एक सैयद भाई से माशाल्लाह इंशाल्लाह फिर उधर कर दूंगा आपको। अबुजर भाई ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, मुबारक ही मुबारक यार। 10 मिनट से मुझे इधर भाई घुमा रहे हैं, एक प्लेट बिरयानी लेके, और इस बंदे को बड़ा जुर्माना करने का। मैं आधे घंटे से जो है ना ये बिरयानी का प्लेट बोरी लेके ना, इसने तीन प्लेट अकेले खाए, मजाक कर रहा है यार। आगा की तरफ से जो है सभी को ईदी मिल गया है, तशक्कुर ज़ियाद सभी को जो है ईदी मिल गया है। तो आगा रवि जो है तंजीम स्कूल में आ गए हैं हाथ धोने के लिए, ये देखो इन हाथों के साथ ईदी लिया। अभी स्टेज पर भी आ गए हैं थंबनेल के लिए, इस बैकग्राउंड के साथ कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करें जो कि सीधे थंबनेल पे ही जाएगा। यार ये चेक करें, ये चेक करें कि कहाँ ने कितना खूबसूरत पिक्चर लिया है थंबनेल के लिए। All efforts dedicated to Taha thumbnail का। अच्छा तो यहाँ पे दो नन्हे मुन्ने व्लॉगर्स भी मिल गए हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सबसे पहले दोनों अपना नाम बताओ, हिलो मत ना। मेरा नाम ज़ैन है। मेरा नाम मेहराब। अच्छा आप दोनों व्लॉग बनाते हो, चैनल का नाम क्या है? जेड ए व्लॉग, जेड 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 एफ व्लॉग, जेड वी व्लॉग, जेड एम व्लॉग। अच्छा जेड एम व्लॉग, सही सही। तो इनका चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों ने जरूर विजिट करना है। दो नौजवान व्लॉगर थे यार, हाँ ये दोनों व्लॉगर हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। हजारा कम्युनिटी में इसी तरफ व्लॉगर ज्यादा हो जाए अच्छा। तो यार यहाँ पे दो और सब्सक्राइबर बन गए हैं, सलाम किन अर्देशम, अर्देशम बगिन ईद गदीर मुबारक, खोनामाइक बगिन माशाल्लाह, खोमा दिन मजादा दिन जी नान मान खोर दिन खो दिका अगो का पुफ्तनी हाफिज। और वहाँ से स्टूडियो आ गए हैं और इतने ईदी कलेक्ट कर दिया है रज़ा से, रज़ा ये तो मुबारक।
रजा सीधी ले लिया है, चलते हैं सेंटर की तरफ। सेंटर में इन सभी को बांटते हैं लोगों में। यार वहां से जो है मैं स्टूडियो गया था, और अभी जैसा कि आपको पता चल ही चुका होगा कि रात का वक्त हो गया है, तकरीबन 10 बजे बज रहे हैं, और रिश्तेदारों के घर में जो है खाना खाने के लिए बुलाए थे। एक दावत, ईद गदीर की दावत है आज रिश्तेदारों के घर में, तो सभी रिश्तेदार यहीं पर इकट्ठे हैं, और सबसे पहले केक काटेंगे, केक काटने के बाद जो है खाना खाएंगे। तो केक कटिंग सेरेमनी और खाना शाना भी आप लोगों को दिखा सा हूँ। इंशाल्लाह कि खुदावंद ने दी गदीर खुमरा बराय हमें एक मुबारक किनारे हमसिन बराय आवास है सैयद ज़ाहिर खान, सैयद आसिफ, बाकी दोस्तों की जो हुजूर दरा मो विजतन जाम दोस्तों रफा ईद सैयद गदीर बराय आवास है तबरीक मुगी बर मोहम्मद और मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अली मोहम्मद। यार जैसा कि आपको दिखाया कि कटिंग सेरेमनी हो गया है, और मुझे भेजा है बोतल लाने के लिए, तो जाते हैं कोल्ड ड्रिंक लाते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये रहा शॉप, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो दही बनाया जा रहा है। तकरीबन छल की नमाज जोर के दिन बिरा रिक्सिया हाँ इना बरा सुबह है दीगा यार मायस तो इसके निना और मेहदी ने आज ईद मुबारक ही नहीं किया है भाई साहब आप लोगों के साथ। मेहदी तो अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूँ मुंतज़िर मेहदी। तो सागे के सागे मुदस्सिर भाई के जो वीडियो देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक, और जो लोग शहीद हैं उन सबको इस मेरी ईद उन सबके ऊपर। सिर्फ शहीदों पे नहीं है भाई साहब, ये ईद जो है सिर्फ शहीद लोगों की नहीं है बल्कि पूरे आलम इस्लाम की है ये ईद। और जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया मैंने भी ईद ही बांटा था लोगों में, और मैं शहीद नहीं हूँ। आज हमने भी ईद मनाया था मगर हम तो शहीद नहीं है ना, तो चाहते हैं खाना खाने के लिए। यार दस्तरखान भी सज गया है और अब खाना खाते हैं। आप सबको फिर से ईद मुबारक। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो मुदस्सिर व्लॉग्स के, तो उम्मीद है आपको पसंद आया हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो पर, किसी नई के तब तक है अल्लाह हाफिज। मेहरीन सलाम को सलाम करो। यार मैं इस वजह से वीडियो में नहीं आ रहा क्योंकि अभी अभी नींद से उठा हूँ, तो आउट्रो मेहदी ने कर लिया है। जैसा कि मेहदी ने कहा ईद मुबारक वंस अगेन, और मिलते हैं किसी नए वीडियो पर किसी नए टॉपिक के साथ। मुंतज़िर मेहदी अभी तक अपने इन्फॉर्म में है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।